अधर में लटका कंचौसी का हुआ ब्रिज निर्माण कार्य। रेलवे फाटक पर जाम से परेशान राहगीर, किसान व सेतु निगम के बीच मुआवजे के विवादों में फंसा ओवर ब्रिज। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया व कानपुर देहात दोनों जिलों में स्थित कंचौसी रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या नाइलाज बन गई है। प्रतिदिन रेलवे फाटक पर घंटों वाहनों की लंबी कतार लगी रहती। यहां लगने वाले जाम को देखते हुए पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग से 200 मीटर पूर्व की ओर सन 2019 ओवर ब्रिज निर्माण की पहल की गई थी, लेकिन ओवर ब्रिज निर्माण कार्य सेतु निगम और किसानों के बीच सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजे को लेकर ओवर ब्रिज निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होने से और ट्रेनों के अधिक आवागमन के वक्त सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है। कई दफे तो औरैया लहरापुर मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की कतार लग जाने के कारण रेलवे फाटक बंद नहीं हो पाती। गुरुवार को भी यही हुआ। दोपहर में ट्रेनों के गुजरने के वक्त एक बार फिर से क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज की कमी लोगों को खूब खली। 7 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले 4 साल से चल रहा है। सन 2020 में कोरोना काल में बंद हो गया था, फिर 2021 दिसंबर से कार्य को शुरू किया गया तो किसान और सेतु निगम के बीच मुआवजे को लेकर विवाद शुरू हो गया। किसानों ने ओवर ब्रिज के कार्य को एकजुट होकर बंद करवा दिया, जबकि 6 पिलर बनाए जा चुके हैं, 900 मीटर बनाया जाना है। सेतु निगम के असिस्टेंट इंजीनियर एपी सिंह ने बताया है कि किसानों के साथ चल रहा मुआवजे का विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। जल्द किसानों के साथ बैठक कर विवाद को सुलझा कर निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की रिपोर्ट।